नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। यहाँ मिलती है आपको सरकारी एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का मेडिकल चल रहा है और बहुत से स्टूडेंट्स मेडिकल क्वालिफाई भी कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को रीमेडिकल भी दिया जा रहा है। ठीक है, जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और जो लोग रीमेडिकल मिल रहा है वो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके कि रीमेडिकल में आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे आपको फॉर्म भेजना है। इस पर भी मैंने दो तीन वीडियो पहले बना दिया था, फिर भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कॉमेंट में, तो उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसमें रीमेडिकल के सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए देखते हैं पहला कमेंट, पहले देख लेते हैं उन स्टूडेंट्स का जो मेडिकली क्वालिफाई किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं संजय जी अपना कमेंट किए हैं कि मेरा मेडिकल हो गया है 10-1 को और मैं फिट हो गया हूँ, और यहाँ पे वो और लिखते हैं कि थैंक्स सर, मेडिकल के बारे में बताने के लिए बहुत से कैंडिडेट की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, कीप इट अप। तो हम ऐसे ही काम करते फ्रेंड्स, आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं रीमेडिकल से रिलेटेड। और यहाँ पे पोजर जी का भी क्वालिफाई हुए हैं वो जीडी मेडिकल, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, अब देखते हैं वो कॉमेंट्स जिनमें परेशानी हो रही है स्टूडेंट्स को रीमेडिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला कमेंट है अमित जी का, अमित यादव जी का। ठीक है, इनको कलर ब्लाइंडनेस में वहाँ पे पॉइंट मिला था। तो फ्रेंड्स, कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए मैं क्लियरली बता देता हूँ, कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। अगर इसमें आपको पॉइंट दिया जा रहा है, ठीक है, अगर आपको अनफिट किया जा रहा है, तो आप ये श्योर रहें कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर रीमेडिकल आपको दिया जाएगा तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कैसे बनवाएगा? डॉक्टर से, और डॉक्टर आपका कलर ब्लाइंडनेस का सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे और नेक्स्ट कॉमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट है, ठीक है, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है कि सर इसमें 42 रुपये का स्टाम्प क्या है, बताएं सर। ठीक है, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था आपको डीडी से रिलेटेड और फॉर्म फिलअप से रिलेटेड, और उसके साथ साथ एक और वीडियो बनाया था मैंने इनवेलप का, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था 42 रुपये का स्टाम्प आपको लगा के भेजना है एक और इनवेलप में, जो कि आपका रिटर्न आएगा। ठीक है, 42 रुपये का ही क्यों? क्योंकि आपका जो भी वहाँ से लेटर आएगा फ्रेंड्स, कॉल लेटर रीमेडिकल के लिए, वो स्पीड पोस्ट के जरिए आएगा। ठीक है, तो उसके लिए 42 रुपये का आपको स्टाम्प लगा के भेजना था। आप नीचे देख सकते हैं पिक्चर में, इस टाइप का स्टाम्प होता है। ठीक है, आप उससे ज़्यादा भी भेज सकते, बहुत स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे सर 50 का भेज दे, 60 का भेज दे, बिल्कुल आप भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन 42 रुपये से ऊपर का भेजिएगा। ठीक है, ताकि आपका स्पीड पोस्ट के जरिए जल्दी से आ सके लेटर। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। अगला कमेंट आप यहां पे देख सकते हैं राहुल जी का, नोक नी और आई के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो इनके लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको अलग अलग सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जितने भी प्रॉब्लम है आपके, सभी के लिए आपको अलग अलग सर्टिफिकेट लगेगा। क्यों लगेगा फ्रेंड्स? क्योंकि आपका जिस चीज़ में रीमेडिकल दिया गया है उसका एक स्पेसिफिक डॉक्टर ही चेक करेगा, ठीक है, एक्सपर्ट। तो इसी प्रकार अगर दो प्रॉब्लम है तो दो डॉक्टर आपको लगेंगे। ठीक है, दोनों से आपको सर्टिफिकेट बना के वहाँ पर भेजना पड़ेगा। आप एक ही इनवेलप में डाल के देंगे, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके साथ साथ 25 रुपए का डीडी भी आपको चाहिए तो वो भी आप बनवा लीजिएगा, उस पर भी वीडियो अवेलेबल है, आपको मैं लिंक दे दूंगा कि कैसे आपको डीडी बनवाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कमेंट, और यहां पे आप देख सकते हैं विनय जी पूछ रहे थे सर फर्स्ट फॉर्म भेजना है या नहीं भेजना है। ठीक है, उनको उनका यह डाउट था कि आपको जो तीन फॉर्म दिया जा रहा है, ठीक है, फिजिकल के टाइम यानी सॉरी दोस्तों मेडिकल के टाइम तीन फॉर्म दिया जा रहा है रीमेडिकल के लिए, तो क्या वो तीनों भेजना है या फिर दो और तीन भेजना है। ठीक है, तो इनका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, उनको सिर्फ तीनों फॉर्म भेजना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट छोड़ के दो भेज दिए, तीनों फॉर्म आपको भेजना है, और पहला फॉर्म आपको वहाँ पे भरा हुआ मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका रीजन रहेगा कि आप किस लिए रिजेक्ट किए गए हैं या अनफिट किए गए हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्म आपको खुद से भरना है, सारा डिटेल उस पर भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख के भरिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा फ्रेंड्स। उससे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, दोनों फॉर्म का जो दो और तीन फॉर्म है उसका प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स क्या किए, गड़बड़ कर दिए उसको भरने में, अब पूछ रहे हैं कि इसका कहाँ से मिलेगा मुझे फॉर्म आपसे, तो उससे पहले आप प्रिंटआउट एक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप भरने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा फॉर्म आपको डॉक्टर से करवाना है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से, तो उसे भी आप अच्छे से भरवाइएगा। ठीक है, और वहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है फोटो और आपका जो थंब इंप्रेशन रहेगा उस पर अटेस्टेड होना जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर का, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं और कमेंट, नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे रीमेडिकल का एक्सपेक्टेड डेट, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दे अभी मेडिकल चल रही है। ठीक है, और मेडिकल जब ख़त्म होगी ये वाली, उसके बाद रीमेडिकल वालों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो लगभग अभी और चलने वाला है 15-20 दिन, तो उसके बाद ही आपको बुलाने की संभावना है। ठीक है, तो आपके लिए टाइम है। ठीक है, आप जल्दी से भेज दीजिए अपना, जैसे जैसे वहाँ पर लेटर पहुँचेंगे और वैसे वैसे वो लोग रिलीज करेंगे पोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो आपका लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा 10-15 दिन बाद। ओके, नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स,
अभिषेक जी का कमेंट था फ्रेंड्स, सर हम क्या बाय हैंड जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है, रीमेडिकल का फॉर्म? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, 2015 में जब हुआ था मेडिकल एसएससी जीडी का, उस समय फैसिलिटी दी गई थी आपको कि आप वहाँ सेंटर पे जाके जमा कर सकते हैं फॉर्म भर के। लेकिन इस बार आपको क्या फैसिलिटी दी गई है कि आपको पोस्ट करना है, ठीक है, स्पीड पोस्ट करना है डॉक्टर से साइन करा के, ठीक है। तो आपको स्पीड पोस्ट ही करना है, आप जाके वहाँ नहीं जमा कर सकते, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखते आगे और कौन कौन सा कॉमेंट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया री मेडिकल के साथ डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ रिपोर्ट देना है ना सर? जी बिल्कुल, आपको सिर्फ रिपोर्ट देना है, तीनों फॉर्म को आपको भेजना है, उसके साथ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं भेजना है, आपका एडमिट कार्ड नहीं भेजना है, ना ही फोटोग्राफ्स, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। बस आप तीनों फॉर्म जमा कीजिए और उसे डीडी के साथ, एक डीडी बनाना है आपको, 2500 रुपये का डीडी और एक इनवेलप, ठीक है, उसमें आपको स्टाम्प चिपका के उसके अंदर डाल के, ठीक है, तीनों फॉर्म के साथ आपको भेजना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक कमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं अखिलेश जी का, ये 1 kg अंडरवेट में किशनगंज में रीमेडिकल इनको दे दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आप अगर मेडिकल देने वाले जो भी स्टूडेंट्स अभी जाने वाले हैं वो अपना मतलब वेट का मेंटेन करके जाएं, ठीक है। 1 kg 2 kg के साथ आपको अगर रीमेडिकल दिया जा रहा है तो बहुत परेशानी की बात है, लेकिन यहाँ पे जो इनको दिया गया है 1 kg में, तो इनको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इनका रीमेडिकल आसानी से निकल जाएगा, वो अपना वेट मेंटेन कर ले, ठीक है। अभी टाइम है, कुछ दिन मेंटेन करके आप जाइए आराम से, रीमेडिकल में आपका क्वालिफाई हो जाएगा और अपकमिंग वाले अपना मेंटेन करके जाइएगा, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है स्पेशली, ठीक है, क्योंकि मेडिकल इस बार का बहुत टाइट लिया जा रहा है फ्रेंड्स, छोटा छोटा गलती में भी वहाँ पर रीमेडिकल दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है। अगला जो देख लेते फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट्स का, सर मेरा थंब पे टेस्टेड है पर फोटो मैंने बाद में लगाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स फॉर्म नंबर जो 3 है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि दोनों, एक फोटो और एक थंब इम्प्रेशन है, ठीक है, उसको डॉक्टर के द्वारा अटेस्टेड भी करवाना है, ठीक है। तो आप पहले फोटो वहां पे चिपकाइएगा, उसका वहां पे अपना इम्प्रेशन दीजिएगा, थंब इम्प्रेशन, उसके बाद ही आप डॉक्टर के पास जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो लोग अटेस्टेड करेंगे, बाद में चिपकाइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो पहले ये करके आपको जाना है और केयरफुल रहना है कि वहां पे डॉक्टर उस पर अटेस्टेड करे, मिस ना कर दे, ठीक है। अगर ऐसा मिस कर देता है तो हो सकता है आपका लेटर ना आए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, टैटू से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, पहले भी मैंने इस पर डिस्कस कर लिया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स, टैटू जिनके शरीर के किसी पार्ट के 1/4 है तो चल सकता है, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर रीमेडिकल भी दिया जा रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, टैटू हटाने का भी बहुत सारा इलाज है, ठीक है, सर्जरी के द्वारा आप उसे रेजर सर्जरी के द्वारा हटवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपके अपकमिंग है मेडिकल तो आप उसे ठीक करवा के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था टैटू से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स हमने कुछ कमेंट लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से कुछ कमेंट्स आपके भी हो, ठीक है। और अभी जो कमेंट मिस हो गया फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ परेशानी है आपको या फिर रीमेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये दो वीडियो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स, एक है रीमेडिकल का डीडी कैसे बनाएं, इस पर बहुत से क्यूरीज आ रही है फ्रेंड्स कि डीडी बनाने में परेशानी हो रही है, और दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं लिफाफा कैसे भरना है, इसमें सब छोटी छोटी गलती समझ के इसको इग्नोर कर देते, लेकिन इग्नोर नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको इनवेलप अच्छे से भरना है, ऊपर क्या लिखना है और अंदर जो लिफाफा आपको भेजना है उसमें कितने का टिकट और क्या क्या आपको चाहिए, एड्रेस कैसे लिखना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया गया है। ये दोनों वीडियो आपको कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और वीडियो के अंत में आपको इन स्क्रीन में भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखना ना भूलिए फ्रेंड्स। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया था फ्रेंड्स, जिसमें मैंने रीमेडिकल का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप टू स्टेप, वो सारा कुछ आपको बताया था, ठीक है। उसमें आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर एक भी गलती आप करते हैं तो पछताना पड़ सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपका लेटर ना आए, तो ये वीडियो जरूर देखें। आपको 3 फॉर्म दिया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, एक फॉर्म जो दिया जा रहा है उसमें आपका रीजन लिखा रहता है कि आपको किस वजह से वहाँ पे रिजेक्ट किया गया, ठीक है, और 2 फॉर्म जो है उसमें से एक आपको भरना है 2 नंबर का फॉर्म, तीसरा फॉर्म आपको डॉक्टर से वहाँ पे भरवाना है, ठीक है। तीसरा फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, वो सर्टिफिकेट है, डॉक्टर वहाँ पे लिख के देंगे कि ये लड़का मेडिकली फिट है, तो उसके बाद आपका लेटर आएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्म बहुत अच्छे से भरवाइएगा, ठीक है, और आपको बता दें फ्रेंड्स वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से ही करवाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, ठीक है, तो वहाँ पर अच्छे से भरवाइएगा। और याद रहे फ्रेंड, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल लिखवा लीजिएगा, ठीक है,
वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा आप करिए बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप री मेडिकल में भी क्वालिफाई कर जाएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।